Now we are going to start 3.6. It is factorization. ये तुम लोगों ने इस चैप्टर में किया होगा factorize. Okay. अब find the factors of given polynomial. इसके हम लोग करेंगे factors find करने हैं. तुम्हें पता है ना कि factors find करते समय में क्या करना पड़ता है? कि इन दोनों को multiply करके उसका जो answer आएगा उसको हमें क्या करना expand करना होता है. See now, 2x² + x + 1 ये polynomial है. 2x² + x - 1 sorry. So 2 × -1 - 2 okay. अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको ऐड करोगे तो आंसर होना चाहिए 1, ऐड और सबट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होना चाहिए -2. समझ में ना? ऐड और सबट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए 1 और मल्टीप्लाई करने पर -2. So 2x² + 2x - x - 1 2x² + देखो इसको एक्सपांड किया मैंने x को 2x - x 2 × -1 - 2 आया समझ में? सी अब इसमें से इन दोनों में से और इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है. अब यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पर 2 है तो 2 लिया. यहाँ पे x स्क्वायर मतलब x दो बार आएगा और यहाँ पे x है तो x कॉमन लिया. तो यहाँ पे 2x कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचा? x + 1. यहाँ पे कुछ नहीं आएगा तो -1. देखो यहाँ पे माइनस है नहीं तो माइनस गला और यहाँ पे 1 x + 1 -1 × x - x - - + 1 = 1. तो फैक्टर्स क्या है? x + 1 2x - 1 क्या फैक्टर्स है? x + 1 and 2x - 1 those factors are satisfied this polynomial. ये दो जो factors हैं factors को क्या करते हैं? Satisfied करते हैं. Now 2m² + 5m - 3 2m² + 5m - 3 3 × 6 -6 क्या आंसर है? -6. अब यहाँ पे ऐसे नंबर्स लेने हैं कि सेम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर -6 करना चाहिए और माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 होना चाहिए. तो 6 × 6 एंड 6 - 1 = 5 2m² + 6m - 2 अब यहाँ पे 3 × 6 एंड 3 + 2 भी क्या आता है? -5. लेकिन अगर यहाँ पे उन्होंने चलो -3 और -2 लिया, -3 और -2 आंसर क्या आएगा? -5. लेकिन हमें क्या चाहिए? +5. दैट्स इट इज नॉट पॉसिबल. आया समझ में? और सेम हम करेगा 6 × 6. सो 2m² + 6m - m - 3 अगेन इसमें से और इसमें से हम लोग कहना ब्रैकेट दो दो का एक करके कॉमन निकाला है. यहां पे 2 के टेबल में 6 आते हैं तो 2 और m कॉमन है राइट. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? m + 3. सो सी 2m × m 2m² 2m × 3 6m. आया? यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस और दोनों में कॉमन कुछ तो यहाँ पे क्या है? माइनस. सो m + 3 अगेन -1 + 3 - 3 -1 × + 3 - 3 तो यहाँ पे क्या है ब्रैकेट? m + 3 2m - 1 क्या फैक्टर्स है? m + 3 m + 3 के और 2m - 1 12x² + 61x + 77 इसमें तो टेबल समझ आना चाहिए. 12x² + 61x + 77 12 + 77 को मल्टीप्लाई तो आंसर क्या? 924. आंसर क्या? 924. अब तुम लोग सर इतना बड़ा नंबर हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं? अब 924 ये जो है ये 3 का स्क्वायर क्या था? 3 का स्क्वायर 900. मतलब यहाँ पे जो भी दो नंबर्स होता दो नंबर्स कहाँ पे 31 to 40 के बीच में ओके और दूसरा नंबर कौन सा होगा? 31 से थोड़ा कम होगा. सो फाइनली क्या आंसर मिले यहाँ पे? 28 and 33. मतलब ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि दोनों को प्लस करके क्या आंसर? 61 और मल्टीप्लाई करके 924. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 924. सी नाउ 12x² + 33x ये एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है. 12x² + 33x + 28x + 77 अब यहाँ पे देखो 3 के टेबल में 12 और 33 भी आते हैं ओके. दूसरा ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 12 और 33 आएंगे?
कोई भी नहीं. सो 3x कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4x plus 11. नाउ से 3 4 जा 12, x into x, x square. 3x plus 11, 33x. यहाँ पे 7 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 7 कॉमन, 4x plus 11. 7 कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या आया, 4x plus 11. So 4x plus 11 and 3x plus 7 are factors. Got it? फिफ्थ वन देखो, 3y square minus 2y minus 1. यहाँ पर भी 3 और minus 1 को अपनों ने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, minus 3. अब ऐसे तो नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करने पर आंसर आना चाहिए minus 2 और मल्टीप्लाई करने पर minus 3. So 3 वन जा 3, minus 3 plus 1 minus 2. 3y square, expand किसी देखो, 3y square minus 3y, y minus 1. सो 3y स्क्वायर माइनस 3y में कॉमन क्या आया, 3y, ब्रैकेट में y माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1 आया, y माइनस 1, y माइनस 1, 3y प्लस 1, सी, 1 इनटू y, y माइनस प्लस माइनस माइनस 1 बनता 1. समझ में आया, तुमने एक्सटेंड में किया है. सो y माइनस 1 एंड 3y प्लस 1. फिफ्थ सम है 3x square plus 4x plus root 3. Sorry, root 3x square plus 4x plus root 3. Root 3, root 3, 3. 3 1 is 3. 3 plus 1, 4. 3 plus 1, 4. So 3x square plus 3x plus x plus root 3. Root 3x square plus 3x plus x plus root 3. Now see, isme se root 3x common aaya. रूट थ्री एक्स कॉमन लिया, रूट थ्री एक्स इंटू एक्स, रूट थ्री एक्स स्क्वायर, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री और एक्स प्लस यहाँ पे वन लिया, एक्स प्लस रूट थ्री, वन इंटू एक्स, एक्स वन इंटू रूट थ्री, रूट थ्री. इन फैक्टर्स आर एक्स प्लस रूट थ्री एंड रूट थ्री एक्स प्लस वन. आया समझ में? Okay now, sixth sum देखो, 1 upon 2x square minus 3x plus 4. Okay, fraction है यहाँ पे, 1 upon 2x square minus 3x plus 4. यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 से multiply किया, multiplying by 2, we get 2 से multiply करते हैं, 2 हट गया, 2 to the हट गया, 3 to the 6, 4 to the 8. अब हमें बस ये क्या है, polynomial x square minus 6x plus 8 क्या है, x square minus 6x minus 8. अब ऐसे तो numbers ढूंढने हैं, ऐसे तो numbers ढूंढने हैं इनको multiply करोगे तो answer चाहिए plus 8 और add करो तो answer चाहिए minus 6. So minus 4 minus 2, minus 4 into minus 2, answer is minus 6. Minus, sorry, minus 4 minus 2 minus 6, minus 4 into minus 2, 8. Minus 4 into minus 2, 8. And minus 4 minus 2, minus 6. So x square minus 4x. X square minus 4x minus 2x plus 8. Okay. Fair. This is the thing that x common liya, so x minus 4. Minus 2 common liya, x minus 4. So last mein factors kya hai? X minus 4, x minus x minus x minus दोनों common है, इसलिए x minus 4 और बचा क्या x minus 2 अब factors. Okay, write down.